तो तैयार होना शुरू करते हैं आज हम चिटचैट करेंगे और चिटचैट हम कोई रैंडम मुद्दे पे नहीं करें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे करेंगे सनस्क्रीन लगा लेते हैं पहले ये कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी हर प्रोडक्ट पे बात नहीं करेंगे इफ़ यू वांट टू नो दिस इज़ अ सुपर ग्रूप सनस्क्रीन ये मेरा दूसरी बार है लगाने का दिन में एक मैंने सुबह उठते ही लगा लिया था स्किन केयर के बाद और अब हो चुके हैं ग्यारह ज़्यादातर मेरी वीडियोस में मैं नेचुरल लाइट यूज़ करती हूँ और जब मैं नेचुरल लाइट यूज़ कर रही हूँ तो मेरी वीडियो की क्वालिटी रब सन सूर्य देवता पे मेहरबान है जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा सो so, मैंने सनस्क्रीन लगा लिया ब्राइट right अवे मैं लगाऊंगी फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मैं टू फेस का बॉन्ड दिस वे यूज़ कर रही हूँ ये मेरे चेहरे पर ना थोड़ा डार्क लगता है आजकल तो सिर्फ इतना लगाती हूँ मैं इस एरिया में जहाँ पर प्रॉब्लम है एंड टाट का शेप टेप इसको थोड़ा कलर देने के लिए क्योंकि अदरवाइज़ बहुत डार्क हो जाता है मेरा चेहरा सो so, आज की जो चिटचाट होने वाली है वो है इंस्पायर्ड कुछ कमेंट्स पे uh, मैंने मेरे uh, वीडियो में कुछ कमेंट्स देखे डैबिंग करते हुए ब्लैंड करना शुरू करेंगे कमेंट्स देखे जो कह रहे थे कि तुम बहुत खुश रहती हो और हमेशा इतना तैयार हो के क्यों रहती हो क्योंकि अगर हम तैयार होते हैं हम घर में कुछ काम नहीं कर सकते हैं और तुम ऑन कपड़े पहन के इतने टशन में आई डोंट नो हाउ यू डू इट आई कान डू इट ऐसे मैंने एक दो कमेंट देखे हैं और ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। वैसे कुछ कुछ लोग करते हैं हैरान होता है मुझ पर कि इसका दिमाग ख़राब है सो so, मैं आपको बताना चाहूँगी इसके पीछे के कारण वैसे मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तैयार नहीं होती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है या वीडियो शूट करना होता है मैं तभी तैयार होती हूँ और वैसे आम, मुझे तैयार होना पसंद है आई रियली लाइक इट क्योंकि जब मैं तैयार होती हूँ ना वो दिन मेरा अच्छा जाता है मैं हैप्पी रहती हूँ मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ और ज़्यादा मज़ेदार दिन निकलता है मेरा सो so, मैं प्रेफर करती हूँ तैयार होना आ, अब तो ऐसे है कि कई बार मैं लेज़ी हो जाती हूँ तैयार नहीं होती हूँ पर पहले आम, जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तब मैं एवरी डे तैयार होती फिलहाल आई एम कमिंग बैक टू ट्रैक मैं तैयार होती हूँ और दूसरे लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तैयार होती हूँ मैं यार फिर चिट्टा हो गया चेहरा मेकअप की वजह से नहीं सन की वजह से ये सन नहीं किया जाता है मुझसे आई एम सॉरी गाइस इस ये मेकअप वीडियो नहीं है तो आप ब्राइटनेस की चिंता मत करना बातों की चिंता करना कि बातें कौन सी हो रही है ओके सो ब्लेंडिंग हो गई है थोड़ा सा हाईलाइट कर ले अपने चेहरे को और लेट अ बिट लेट अ टाइनी बिट वैसे मैं रोज नहीं करती हूं संडेज आई लाइक इट टाइनी 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 सूरज ना पंगे लेएगा ही लेगा आज सो विंडो बंद कर दी है मैंने हाँ। क्या करें और ओके okay, दोस्तों अगर आप अपना हर दिन इस सोच के साथ शुरू करें कि आज आपका आखिरी दिन है तो आपका दिन कैसा होगा मुझे बताइए क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन नहीं है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है लाइक like, आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कल आपके पास दिन होगा या नहीं एक्चुअली वाकई में शायद आपका आज आखिरी दिन हो यू नेवर नो सो अगर आप इस सोच के साथ उठते हैं ना हर दिन की आज, आज आपका आखिरी दिन है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितना पावरफुल फील करेंगे पावर ऐसी की आपका जो हर फियर है फियर ऑफ रिजेक्शन फियर ऑफ दोस्तों का या फियर ऑफ फेलियर वो सारा रिलीज हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आज आपका आखिरी दिन है सो so, कल की चिंता ही नहीं आपको और वैसे दिस इज वन ऑफ द फ्यूअर गारंटीज़ यू हैव दैट यू हैव अनदर डे राइट सो ऑल फियर जब आपके अंदर से निकल जाते हैं तो बचता क्या है ओनली पावर पावर टू लिव इन नाउ एंड पावर टू लिव फुली सो जब आपको पता है कि आपके पास कल का दिन नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फील करेंगे और अब आप अपनी सपनों की जिंदगी जी सकते हैं क्योंकि अगर आप सोचें कि आ, आपको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे पास एक दिन है तो आप हर वो चीज़ करना चाहेंगे जो आप करना चाहते थे कि आपको पता है कि कल तो तुम्हारी जाना है तो आज मैं हर कुछ वो कर लूँ जो जो मैं बहुत समय से करना चाहता था राइट और मैं ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ स्मार्ट ब्रशेस अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं मेरी वेबसाइट पे हैं बहुत ही प्यारे एट मेकअप ब्रशेस का सेट है जिससे आप पूरा मेकअप लुक कर सकते हैं ज़रूर से खरीदें इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी अटेंड करो कि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है कल आज वो करना सो आप क्या करना चाहेंगे अभी ना ये वीडियो को बेशक पॉज करके सोच लो कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहेंगे अपने आखिरी दिन में सोच so, लो थोड़ा सा इट्स ओके सो सो इसी पे लगा लेंगे so, जब आपको पता है 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 कि कि आज, आज आपका आखिरी दिन है, तो आप मुझे लगता है कि हर वो चीज करना चाहेंगे जो हमेशा से करना चाहते थे अपने सपनों पे काम क्योंकि आपको पता है कि कल वाला दिन नहीं है सो so आज ही जितना जी ले जी ले और दूसरी चीज है आपको फेलियर का डर नहीं होगा जो आपका ट्रू सेल्फ है वो सामने आ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे कोई रिजेक्ट भी कर देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कल मैं होगा नहीं अगर आप कोई चीज में ट्राई करते हैं और आपको फेलियर का डर नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि अगर फेलियर होगा भी तो कल मेरे पास दिन नहीं है आई डोंट केयर एंड ऑल्सो जिससे आप अपना प्यार इजहार करना चाहते हैं जिसको बताना चाहते हैं कि आप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आप कर देंगे क्योंकि आपको होगा कि यार कल तो मैं रहूंगा नहीं आज ही बता देता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जो आपके बिलीव है जिसपे आप स्टैंड करते हैं वो भी आप एक्सप्रेस करेंगे फुलिस क्योंकि आपको पता है कि कल आप नहीं कर पाएंगे यार ये जो हमारी लाइफ है हम इसको इतना ग्रांटेड लेके बैठ गए हमें लगता है कि हम इस धरती पे फुल ऑन मिलियन ऑफ इयर्स के लिए आए हैं पर एक्चुअल में हम बहुत ही छोटे पीरियड के लिए आए हैं और उस पीरियड पीरियड का फुल ऑन मज़ा लेना चाहिए हमें एंड फुल ऑन लर्न करना चाहिए एंड फुल ऑन काइंडनेस दिखानी चाहिए क्योंकि काइंडनेस इज द ओनली वे टुलें तो किसी को जरूरत नहीं है आपकी एंगर की आपके एटीट्यूड की आपकी ईगो की अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे देन वो आपके साथ हैं अगर नहीं करोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब आपको पता है कि आप यहाँ से चले जाएंगे तो आप लेगेसी छोड़ना चाहेंगे कि जब आपको लोग याद करें तो वो इस चीज़ से याद करें कि यार ये बंदा ऐसा था मुझे नहीं लगता कोई भी चाहेगा कि उसकी बुराइयां और उसकी नेगेटिविटी को याद करे कोई कि यार ये बंदा रियली बैड सो हर कोई वैसी ही चीज छोड़ना चाहेगा कि कोई उसे याद करे तो अच्छाई से याद करे तो इस सोच के साथ आप हर एक बंदे की मदद करना चाहेंगे जिसकी जिसको मदद की जरूरत है एंड काइंडनेस चूज करेंगे एज अ बिहेवियर आप यही चाहेंगे कि काइंडनेस से ही आपका नाम याद किया जाए सो so, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं फुल ऑन पैशन के साथ करें जो भी आपके बिलीव्स हैं और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बट यस yes, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए पूरी मेहनत एंड एफर्ट के साथ वो चीज करें क्योंकि आपके पास गवाने के लिए कुछ भी नहीं है अगर आप इस चीज को सोच के देखें ना कि वाकई आपके पास आज आखिरी दिन है रहने के लिए तो आप मुझे लगता है कि ज्यादा हैप्पी हैप्पीली जीना चाहेंगे अपना आखिरी दिन कौन चाहता है कि मिजरी के साथ जिए वो राइट और जो आपको लगता था कि यार मैं ये चीज़ बहुत लंबे समय से करना चाहता हूँ और ये मेरा सोल फूड है वो भी आप करेंगे ज़रूर से आज सारा कुछ वो कर लिया जो आपको खुशी देता है जो आप करना चाहते थे अपने बिलीव्स में फेलियर से नहीं डरे काइंड बने हेल्प की लोगों की तो कल आपको पता है कि आप मरने वाले हैं एंड जब आप डेथ बेड पे होंगे आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार वो चीज़ रह गई ओ नो वो मुझे ऐसा करना चाहिए था मैंने ये बहुत गलत कर दिया ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होगा तो मैं क्या चाहती हूँ कि एंड ऑफ द डे जब भी आप मरे आप कल नहीं मरने वाले हैं वैसे एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि जब भी आप इस दुनिया से जाएँ कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आई विश कि मैं इस तरह रहता आई विश कि मैं ये बात उससे कह देता या अपना प्यार इजहार कर देता आई विश कि मैं थोड़ा काइंड इंसान होता आई विश कि मैं लोगों की मदद करता तो आई विश नहीं होना चाहिए वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं कर लो यू you नो know, uh, मैं एवरी डे तैयार होती हूँ क्योंकि मैं तैयार होना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि हर दिन मेरा अच्छा जाए अच्छी तरह मैं फुल फुल फ्लैज जी हूँ मैं हर दिन पर अभी भी मुझे कई बार लगता है कि जितना मैं तैयार होना चाहती हूँ जितना मैं एफर्ट मेरी ड्रेसिंग में डालना चाहती हूँ जितना ड्रेस जितना एफर्ट मैं मेरे घर में डालना चाहती हूँ वो मैं अभी कम्प्लीट नहीं कर पा रही हूँ अभी भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है और आप दिखने में डिफरेंट लगते हैं आप यकीन मानिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि अगर आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखें अगर आप थर्टीज़ में हैं लेट थर्टीज़ में हैं लेट फोर्टीज़ में हैं फिफ्टीज़ में हैं तो अपनी पुरानी पिक्चर्स देखें थर्टीज़ वाली ट्वेंटीज़ वाली फ़िफ्टीनस वाली टीन वाली तो आपको देख के लगता है कि आई विश कि मैं उस समय यू माई गॉड मेरी स्किन कितनी अच्छी थी मैं कितनी यूथफुल थी आई विश कि मैं ऐसे ड्रेस करी थी आई विश कि मैं ये चीज़ें करी थी और आपको ऐसे रिग्रेट होता है कि यार आई विश कि मैं थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालती लाइक like, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं कि मैं यार थोड़ा ज़्यादा स्पोर्ट्स में होती ऐसे रिग्रेट होता है ना कि यार थोड़ी कमी रहेगी मुझे इतना मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा करना चाहिए था मुझे ऐसे होता है मेरी ना अपनी टोनीस की पिक्चर्स देखे मुझे लगता है यार मैनू ऐसे तैयार होना चाहिए था अब मेरी स्किन वैसी नहीं दिखती जैसे तब दिखती थी सो so, ऐसे रिग्रेट होता है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कट तैयार हुई हूँ और मैंने कुछ कुछ दिन ऐसे वेस्ट कर दिया मुझे वेस्ट नहीं करने चाहिए था मुझे फुल फुल फ्लैज जीना चाहिए था और एक और चीज़ भी मैंने अभी नोटिस की है और एक्चुअली मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है फिलहाल पहले मुझे बहुत पसंद हुआ करता था परफेक्शनिस्ट होना अब मुझे नहीं है और मैं हेल्प कर रही हूँ अपनी परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है अपने आ, यंगर सेल्फ को मैं लेसन देती हूँ कि तुम्हें परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है जैसे भी है उसको चलने दो एवरी थिंग इज़ गुड इनफ तो इसके चलते क्या होता है कि जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं लाइक हम अचानक से कहीं पे चले गए और मुझे अजीब सा लगता है विश कि मैंने प्लान किया होता है विश मैंने प्लान किया होता अगर करें कि अचानक से किसी रोड ट्रिप पे चले गए बिना प्लान किए और हमेशा हुआ है कि वो अनप्लान हैं बहुत मजेदार होते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा किया करते थे कि अचानक से ग्रेट ओशन चले गए कि ऐसे अचानक से कोई से भी ट्रिप बना लेते थे तो मुझे मैंने नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं स्पॉन्टेनियस जो होता है सो so, परफेक्शन के चलते मुझे लगता रहता है कि यार सही नहीं है सही नहीं मुझे प्लान प्लान करना करना चाहिए चाहिए ज़्यादा अच्छा होता ज़्यादा अच्छा होता पर एक्चुअली आपको मोमेंट में जीना चाहिए जो भी मोमेंट चल रही है उसको इंजॉय कर लेकिन और परफेक्शन की या प्लानिंग की चिंता मत करें क्योंकि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती है कई बार चीजें अनप्लान्ड ही सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं तो आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आप प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके चल रहे हैं ना कि आने वाले दस सालों में ये होगा पाँच सालों में ये होगा आई डोंट नो इफ यू विल बी अलाइव सो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग का सारा कुछ नहीं होगा वहीं की धरी की धरी रह जाएगी सो so, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं है हम आ, कपड़े खरीदते हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं। सोचते हैं कि उसको तब पहनेंगे अगर आपके पास इवेंट है तो बहुत अच्छा है इवेंट पे पहने पर अगर आपके पास कोई इवेंट नहीं है जाने के लिए और आपने ख़रीद लिए और बेचारे वो आ, धूल चक रहे हैं आपके क्लाज में बैठे कि एक दिन कोई बहुत स्पेशल दिन आएगा जिस दिन आप ये पहनेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो स्पेशल दिन आए ही नहीं उनको पहने तैयार होए थोड़ा खूबसूरत लगे, जैसे आपको अच्छा लगता है एंड एंजॉय कर ले मोमेंट को हर दिन को ऐसे जिए जैसे ही वो आपका आखिरी दिन हो इसके चलते ही एक और बात कहना चाहूँगी कि तैयार होना ही सब कुछ नहीं है अगर आपको तैयार हो बिना हुए ही वो वाइब वो एनर्जी रहती है तो वेल एंड गुड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू सो so, दोस्तों आपको हर दिन पूरा फुल ऑन ग्लैम होने की जरूरत नहीं है आप तीन चार स्टेप करें अपनी स्किन केयर का ध्यान रखें अपने बालों को अच्छी तरह काम करें अपने हाथों का पैरों का ख्याल रखें आपको बहुत मज़ेदार फील होगा यकीन माने दो जिंदगी अपनी साथ साथ रखें एक तो मटेरियल जो कि आपका बहुत ज़रूरी है इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए आपका घर आपके कपड़े जो भी आपको जरूरत की चीजें हैं वो ऐसे ही खरीदें जैसे आप यहाँ पे बहुत लंबा समय रहेंगे अपने घर को अच्छा ब्यूटिफुल कम्फर्ट बनाएं जैसे कि आप बहुत लंबे समय के लिए आए हैं पर अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो ऐसे जिए जैसे आपका कल आखिरी दिन है सो so, दोस्तों अगर आपने नहीं शुरू किया है तो आज ही से शुरू कर दें ऐसे जिये जैसे आपका आखिरी दिन हो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे कमेंट करें मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास मेरे लिए कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है वो भी बता सकते हैं मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गैज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन आई लव यू गैस सो वेल मार्च और नोटिस करना कि मैंने कितनी बार बोला है कि कल आप मरने वाले हैं और कल आपका आखिरी दिन है okay,